तो मैं आज हिंदी मेरे को बोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आज बहुत खुशी हूँ और बहुत आनंद हो रहा है। तो मैं जो बोलना चाहता है, सबसे पहले देखो, जो तुम लोगों के अंदर से कोई ना कोई इसको अरेंज किया है ना, जो अरेंज किया है तो आज अलाइव होने के लिए, ये सबसे पहले मेरा सबसे अच्छा काम किया और मैं बहुत खुशी हूँ जे लोग ये सब आज लाइव में मेरे को बोला। मैं नादराश्रम में है और उसका साथ साथ तुम लोगों का साथ भी कॉन्टैक्ट किया और एक साथ आज एक लाइव में आने के लिए एक अरेंज कर दिया, तुम लोगों ने टाइम दिया, सबसे पहले टाइम थोड़ा सेवा किया, उसीलिए पहले मैं वो लोगों को मैं बहुत धन्यवाद नहीं बोलेंगे, मैं आशीर्वाद ये शब्दों भी व्यवहार नहीं करेंगे, ये मेरा प्यार है ये मैं बोल सकता। और ऐसा मैं भी प्रोग्राम मैं लाइव में आना चाहता है महीने में एक दिन, तो फिर उसी लिए वो लोग जो लोग एक व्यवस्था किया है, किसको तो करना पड़ेगा, तो व्यवस्था किया है और चारों तरफ जो भक्तों बाबा माँ लोग जो लोग चाहता है जो बाबा आपका छत कॉन्टैक्ट में रहना चाहता है, अंदर से तो है ही लेकिन बाहर बाहर भी जरूरत है, तो फिर साधु सन्यासी का संगत, गुरु का संगत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं हर महीने में एक दिन आना चाहता है लाइव में, और मैं उसी लिए तुम लोगों को बोल रहा है कि तुम लोगों को जो लोग अभी ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, तुम लोगों को परिचित लोग है, तुम लोगों को मेरा और भी शिष्य लोग है इंडिया में, इंडिया के बाहर, तो लोग भी बोलना जो ये जो लोग कांटेक्ट करके तुम लोगों का साथ मेरा एक लाइव में तुम लोग सब एक साथ हुआ, ऐसा माफी और भी लोग है जो लोग कांटेक्ट करेंगे वो लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो फिर उसी लिए तुम लोग इसको ध्यान देना और जरूर व्हाट्सएप करके, नहीं तो ये जो लोग तुम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया है, जो लोग अरेंज किया है वो लोगों के साथ तुम लोग थोड़ा हेल्प करने से और भी लोग सुनेंगे और भी लोग आएंगे, अच्छा लगेगा। और तुम लोगों को मैं पहले मैं बोलेंगे, देखो मैं बचपन से मेरा आदत है छोड़ना, सिर्फ छोड़ना ही मेरा आदत है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को पता है मैं दीक्षा देने का इच्छा नहीं था, लेकिन दीक्षा दे दिया, दीक्षा दिया है तो फिर मेरा आश्रम करने का भी इच्छा नहीं था, लेकिन आश्रम उसीलिए किया है कि तुम लोगों की जरूर, तुम लोगों को बहुत जरूरी है आश्रम, उसीलिए क्यों जरूरी है, नहीं आश्रम उसीलिए जरूरी है, देखो तुम्हारा घर में सुबह 6 बजे से 7 बजे भी उठ सकता है, सुबह में 9 बजे भी उठ सकता है, 5 बजे भी उठ सकता है, 9 बजे तुम्हारा इच्छा मर्जी है, लेकिन आश्रम ऐसा नहीं, आश्रम में तुमको एक टाइम है, तुमको उसी समय उठना ही पड़ेगा, नींद से तुमको उठाना पड़ेगा, उठाने वाला कोई नहीं है, तुमको खुद उठना पड़ेगा, और तुमको धीरे धीरे आश्रम का जो क्रम है वो कंप्लीट टाइम का माफिक करना पड़ेगा, तो फिर उस आश्रम लाइफ और तुम्हारा गृहस्थी का लाइफ दो एकदम अलग है, तो फिर उसी लिए मैं आश्रम उसी लिए किया है कि तुम लोगों का माफिक लोग जो लोग ये आश्रम का साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, तो उसी का जीवन में एक डिसिप्लिन है, देखो चांद सूरज कितना डिसिप्लिन है,
विश्व ब्रह्मांड कितना डिसिप्लिन, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग डिसिप्लिन नहीं होएगा तो फिर क्या होगा? तो पहले तुमको डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन होने से क्या होगा, अच्छा रास्ता को तुम खूब प्रेम से पकड़ोगे और डिसिप्लिन से उसको पालन करो। उसको पालन करने का नाम ही है कर्मकांड। कर्मकांड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कर्मकांड। जैसा पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, अलग अलग मुद्रा है, ये मुद्रा से जप करना, तो बहुत अलग अलग सब है। लेकिन मैं तुम लोगों को यही बोलेंगे, सब कुछ तो है अलग अलग, लेकिन तुमको तुम्हारा अंदर में एक तुम्हारा अंदर में तुमको खुशी होना। लेकिन अंदर से खुशी क्यों नहीं हो रहा? तुमको छोड़ने के लिए चाहता है एकदम, जिसको बोलता है ना एकदम छोड़ने छोड़ने के लिए नहीं आता। तुम बोलता है छोड़, अब मैं छोड़ेंगे, लेकिन तुम अंदर से छोड़ता है एक, उसीलिए तुम इतना। मैं क्या बोलेंगे, देखो आज ही मैं बोल रहे थे, मैं देखा है कोई कोई जगह में मेरा साथ एक साथ हुआ, वो कितना हर रोज 2-3 लाख रुपया वो पर्सनल लाइफ के लिए लगाता है हर रोज। तो मैं को बोला बाबा मैं तो बहुत खुशी हूं, मैं को दुखी नहीं है, मैं बहुत आनंद है, तो फिर उसी लिए मैं क्यों भगवान को पूजा करेंगे? उन्हें नहीं, तुम क्यों करेंगे? मैं उसको बोला तुम क्यों करेंगे, जरूरत नहीं बाबा, तुम खुश में रहो, लेकिन मैं मेरा काम तो करने दो, मैं जो लोगों को बोलने के लिए आया है वो लोगों को बोलने दो। बोला महाराज आप बोलिए मैं सुनेंगे, बात अच्छा है। लेकिन मैं देखा एक कोरोना का वजह से उसी का नजदीक का लोग मर गया, मरने वाला हो गया, मरने वाला हो गया, कोई 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 मर गया। उसी समय उसको देखा कितना रो रो रहे थे और मेरे को बोल रहे थे महाराज मैं कितना दुखी हूं। तो मैं उसको बोला नहीं ये साधु का काम तो नहीं है ऐसा, तो फिर यही बोलना है जो सब तुम्हारा हाथ में नहीं, ये आज कोरोना के वजह से सबको पता, धीरे धीरे बहुत लोगों को, बच्चा लोगों को भी पता चल रहा है, ज्यादा उम्र के लोग, धोनी आमिर गरीब सबको पता चल रहा है। तो कोई है जो हम लोगों के हाथ में नहीं, तो फिर उसी लिए जो है कहाँ? ये सबसे पहले तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए मैं देखो मैं कोई शास्त्रों का बारे में, रामायण महाभारत और उपनिषद गीता ये सब जो है ये तुम लोग पढ़ सकते हैं, तुम लोग पढ़ो, कोई पंडित के पास जाओ जाके तुम पूछो उसको। लेकिन मैं तो इतना पढ़ा तो नहीं पढ़ा ना, मैं तो पढ़ा नहीं कि इतना रामायण महाभारत गीता ये तो पढ़ाई में टाइम तो नहीं दिया, उसी लिए कि टाइम नहीं दिया। तो रामकृष्ण परमहंस ने भाई बहुत अच्छा बोला था, गीता 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 बोलने से क्या होता है, त्यागी त्यागी होता है। तो त्याग करना है, क्या त्याग करना है, जो इंसान को इंसान नहीं बनाता है उसको त्याग करना है। वो है कहा ना, तुम्हारा सोच में है, तुम्हारा धारणा में है, तो उसको धारणा को चेंज करना है। तो धारणा को चेंज करने के लिए क्या चाहिए ना, उसी लिए सदगुरु का जरूरत, तो सदगुरु का जरूरत है, तो उसीलिए सदगुरु का पास लोग उसीलिए आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? नहीं, इंसान जैसा देखो मैं आज ही बोल रहे, कोई एक महात्मा का पास एक राजा आया, राजा आके थे महात्मा का आश्रम में, एकदम मिट्टी में धूल धूल में वो पड़ा रहा, महात्मा का दर्शन किया वो चला गया, अकेला आया था। तो एक दिन वो राजा महात्मा का आश्रम में आया, और एक दिन आया, जिस दिन आया उसी दिन महात्मा का आश्रम में बहुत भीड़ था, तो
सुना राजा आया है, पूरा महात्मा का आश्रम में जितना लोग था सब राजा को पीछे पड़ गया, राजा को देखने के लिए। राजा का शर्म आ गई, शर्म आ के राजा महात्मा को बोला, महात्मा जी गुरुदेव इन लोग के समझाओ जी, मैं आज राजा नहीं है, मैं महात्मा का पास आया, मैं महात्मा का पास आया है, लेकिन ये लोग राजा राजा कर रहे क्यों ना, ये लोग रुपया को मानता है, जो अच्छा होटल में रहता है, जो बहुत अच्छा अच्छा रूम में रहता है, जो भोग का ऊपर रहता है, ये लोग उसी को सबसे ऊपर सिर में चढ़ाया। तो इसीलिए जितना दिन जब इंसान धीरे धीरे चेंज करेंगे, आज इंसान बाहर को देखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए स्टेटस के पीछे पड़ गई, लेकिन उसी में स्टेटस तो होता ही नहीं, रहता ही नहीं, बहुत दुखी होता है, कितना बेइज्जत होता है, हर रोज झगड़ा होता है आपस में पड़ोसी के साथ। तो फिर देख, तो फिर क्या है तुम्हारा लाइफ, क्या है तुम इतना कमा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो फिर तुमको खुश में रहना है, लेकिन तुम इसको आदत कर, इसी में तुम आदत हो गया तुम्हारा, तो फिर उसीलिए मैं तुम लोगों को मैं बोलेंगे, तुम लोग क्या किया, महात्मा का पास गुरु का पास क्यों आना चाहिए। देखो इंसान क्या सोचा, भगवान और गुरु, ये तुम लोग सब दाल रोटी का भी ठीके दे दिया, दाल रोटी मेरा लड़का लड़की, मेरा लड़का का शादी, पोता पोती का, वो सब कुछ भगवान और गुरु को दे दिया और उसी को पीछे पड़ गया तुम लोग। हाँ तो ये छोड़ना पड़ेगा, गुरु को भगवान को तुम एकदम लड़का लड़की पोता पोती सब इसको छोड़ दिया, और तुम लोग सोचा जे गुरुदेव तुम इसको ठीका ले लो, तुम इसको चलाओ, और मैं ऐसा खुश में रहेंगे, और उसीलिए भगवान को गुरु को इसके पीछे पड़ गया, जहां जहां गुरु को भगवान को पूजा में, हे मेरा लड़का मेरा लड़की इसको पीछे में तुम लोग है, लेकिन इसको बाहर में जो भव बंधन से मुक्ति का रास्ता, ये मुक्ति का रास्ता, ये रास्ता में तुम लोग चलता नहीं, तुम लोग बोलता है अंदर से, तुम लोगों को एकदम इच्छा नहीं, ये अंदर को इच्छा इच्छा को जगाने के लिए, उसी लिए सदगुरु का संगत बहुत जरूरी है। और मैं मेरा काम यही है, मैं इतना शास्त्रों का बात क्यों नहीं सुनाता है, उसी लिए इसी में तुम लोग तो सुनने, तुम लोग किताब पढ़ने के लिए आता है, बहुत पंडित पढ़ा हुआ है लोगों के पास जा सकता है, लेकिन मैं तुम लोगों को इसी का ऊपर ही ज्यादा प्रेशर देंगे, कि तुमको धीरे 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 भव बंधन का जो मुक्ति का रास्ता, जो वासना मुक्ति का रास्ता, जो आसक्ति शून्य होने का रास्ता, वो रास्ता में तुम लोगों को धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ये चलने के लिए उसी लिए बहुत चर्चा का जरूरत है, बहुत चर्चा का जरूरत है, चर्चा बिना तुम्हारा जो अंदर में जो भेद भावना है, ये चर्चा इतना चर्चा किया उसीलिए ऐसा परिस्थिति है, तुम्हारा अवस्था तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा मेंटल स्टेट ऐसा है, तो उसको डेवलप करने के लिए कैसे कैसे करके उसको छोड़ना पड़ेगा, तो कैसे करके छोड़ोगे, ऐसा छोड़ नहीं सकोगे, उसीलिए चर्चा करना पड़ेगा, उसीलिए सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिकल में लेके आना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, तो इसीलिए धीरे धीरे होगा, तो इसीलिए चर्चा का जरूरत है, चर्चा बिना तुमको, देखो सुनो तुम लोग दिव्य संघ आत्मचर्चा सब पढ़ता है, मैं सुनता है कभी कभी, इसमें क्या है, तुम लोगों को उपलब्धि बोलता है, अनुभव उपलब्धि, तुम्हारा पर्सनल उपलब्धि अनुभव तुम लोग बोलता है, ये पर्सनल किसी को अच्छा भी लग सकता है, नहीं लग सकता, ऐसा का ऊपर चर्चा करो, चर्चा तुम्हारा ऐसा ऊपर होना चाहिए जो चर्चा सब बोलेगा नहीं सही है, तो उसी लिए गुरु का चर्चा उसी ऐसा माफिक होता है, क्यों गुरु पढ़ाता है, स्कूल में जाके गुरु पढ़ाता है बच्चा लोगों को, उसके बाद बच्चा लोगों को बोलता है तुम लोग एक साथ कभी कभी मीट होके जो मैं पढ़ाया था उसको तुम लोग चर्चा करो, चर्चा करने से क्या होगा,
टीचर जो ने जो मैं जो तुम लोगों को पढ़ाया था, पढ़ाने के बाद जो लोग तुम लोग 20-50 लोग सुना था, वो लोग एक साथ चर्चा करने से क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा मन में गुरु का जो मास्टर का जो भावना तुम्हारा अंदर में बैठेगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो होगा क्या, तुम्हारा उपलब्धि सुनाएंगे सुनाओगे, पर्सनल उपलब्धि तुम लोग सुनाओगे, एक एक आदमी एक एक उपलब्धि सुनोगे, लेकिन आत्मचर्चा नहीं होगा। आत्मचर्चा वही है जो गुरु का जीवन दर्शन। हाँ, तो जीवन दर्शन क्या है ढूंढना पड़ेगा, सुना है लेकिन तुम लोगों को पता नहीं है, भावना नहीं। उसीलिए जीवन दर्शन क्यों, गुरु का जीवन दर्शन, गुरु का जीवन दर्शन उसीलिए तुम्हारा जरूरत है। जिसको जीवन जीवन दर्शन तो ढूंढने के लिए जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अंदर में एक आसक्ति शून्य एक परिस्थिति तुम्हारा अंदर में आएगा, आसक्ति लेस एक स्टेट आएगा तुम्हारा जीवन में। तो फिर उसीलिए तुमको मैं बोलेंगे कि धीरे धीरे चर्चा करो हर मायने में। मैं तो एक बार आएंगे लाइव में, और मैं तुम लोगों को तो बोला, और धीरे और ऐसा भी तुम लोग चर्चा करो, और घर में मन मन में करना, जो सुना है उसको मनन करो, और सोचना ये पहले सोचो जो तुम लोग उसको ठीक है नहीं दिया, गुरुदेव को भगवान को तुम सिर्फ दवाई के लिए डॉक्टर का माफिक जा रहा, ऐसा नहीं। गुरुदेव जो है वो तो त्यागी, सर्वोत्याग, जो त्यागी मीन्स जिसको जिन दुनिया में कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए तो मैं आश्रम किया, आश्रम तो उसीलिए किया है, आश्रम तो ही बनाता जिसको जो जो दुनिया से कोई लेना देना नहीं, क्या लेना देना। ये जो व्यवहारिक जगत का जो जो तुम्हारा भाई बहन रुपया, ये जो संपर्क संबंध संबंध है, ये कोई रिश्तेदार ये सब नहीं है। ए, 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 उसका साथ आत्मा का साथ रिश्तेदार, आत्मा का साथ आत्मा विश्व ब्रह्मांड में, तुम लोगों का साथ खून का साथ जुड़ा हुआ नहीं, रिश्तेदार नहीं है। महात्मा का साथ, गुरु का साथ, आत्मा का साथ रिश्तेदार, विश्व ब्रह्मांड का साथ रिश्तेदार। तो फिर उसी लिए मैं तुम लोगों को बोलेंगे, जो जो गुरु ऐसा है, महात्मा ऐसा है, तो तुम लोग ऐसा करके देखता नहीं, तुम लोग एकदम लड़का लड़की पोता पोती ये सब कुछ एकदम गुरुदेव है भगवान है, उसीलिए तुम लोग इसके पीछे ही पड़ा हुआ है, और उसीलिए तुम्हारा भावना सोच भी पहुंचता नहीं, इच्छा भी नहीं होता है इसको भवबंधन का बाहर, भवबंधन से बाहर कैसे करके जाएंगे, कैसे करके प्रार्थना करेंगे। तो फिर उसीलिए जितना तुम चर्चा करोगे उतना तुम्हारा मन में धीरे 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 भवबंधन के बाहर जाने का इच्छा आएगा। ये इच्छा तुम्हारा पर्सनल है, ये इच्छा को प्रकाश करने के लिए आता नहीं, प्रकाश करने के लिए जाओ फिर भी होएगा नहीं। कोई किसी को प्यार करता है, प्यार करने का बाद प्यार का बात किसी को बोलोगे, देना मैं मेरा प्यार का बात तुमको सुनाएंगे, तुम देखोगे 10 दिन बोलोगे भी फिर भी मन में आएगा कुछ बोला, ये होता नहीं। तो फिर इसीलिए जो अंदर का बात, ये तुम्हारा अंदर, ये तुमको देखो जैसा भाव वैसा लाभ, तुम्हारा भाव को डेवलप, उसी में चर्चा का बहुत जरूरी है, और चर्चा बिना नहीं होएगा, और उसी लिए चर्चा चर्चा ही तुमको एक दिन टाइमिंग कराएंगे, चर्चा ही एक दिन तुमको बोलेंगे ना कर्मकांड करना पड़ेगा, हमको हर रोज बैठना पड़ेगा, हमको हर रोज बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा पल पल में, जे मेरा अहंकार ईगो ये कैसे करके मैं कंट्रोल करेंगे। उसीलिए तो सदगुरु के पास जाता, उसीलिए तुमको टाइम दे रहा है मैं, लाइव में क्यों आ रहा है मैं किसी को पर्सनल। देखो तुम बोलेंगे बाबा मेरा बहुत पर्सनल बात है, तो जरूर तुम मेरा आश्रम में आ जाना, लेकिन तुम बोलोगे बाबा कितना दूर कैसे जाएंगे, ट्रेन लॉकडाउन है बाद में बोलना, लेकिन मेरा इतना टाइम नहीं, क्यों इतना एग्जाम पर टाइम इसीलिए नहीं है, बहुत आश्रम है, कर्मकांड बहुत है, और मेरे को पूरा टाइम देना पड़ता है, एक टाइम एक बात है। अब दूसरा नंबर, मैं ऐसा कोई टाइम अभी तक रखा नहीं जो अलग अलग करके पर्सनली बात, तो
अलग अलग से सुनेंगे, और इतना भीड़ है, मैं हाफ मिनट करके देंगे भाई ये मैच खत्म नहीं कर सकी, इतना भीड़। तो उसी लिए मेरा मेरे से होगा, तुम उसी लिए तुम मेरा क्या बोलेंगे, मेरा जो मार्ग है वो मार्ग से चलो, प्रभु का नाम करो, मैं जो नाम दिया है तुम्हारा गुरुदेव तुमको जो नाम दिया है वो नाम को जपो, क्यों गुरु का नामों का अंदर में वो शक्ति है। किसका शक्ति है? जिसके ऊपर मैं बात कर रहा है वही तो बात कर रहा है। तुमको मैं इतना बातों का अंदर बीज मंत्रों में क्या है, जो जो बात तुमको सुनाया, जो बोध तुमको देने के लिए कोशिश किया है, जो बुद्धि का बाहर जाने के लिए तुमको जो रास्ता दिखा रहा है, उसी लिए तो तुमको बोला भव बंधन का बाहर जाओ, तो भाव उसी लिए चर्चा करो, चर्चा करने के बाद क्या होगा, उसी समय तुम्हारा भावना में आएगा धीरे 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 ना, परमात्मा भरा हुआ है ये तुम्हारा धीरे धीरे जागेगा, जितना जागेगा उतना तुम धीरे धीरे शांत, तुम्हारा शांति आएगा, शांति का बाद एक दिन शांत हो जाता है, संत साधु संत, तुम लोग तो सुना है साधु संत की जय, संत हो जाए, संत मीन्स उसको निर्विकल्प समाधि होगी, जिस दिन उसको थोड़ा एक सेकंड के लिए हो जाता है। किसको होता है? जिसको जिसको जो अंदर से निर्वास होना जिसको होता है उसको परम शांति आ जाता है। तो परम शांति उसी दिन ही आता है जिस दिन उसको एक सेकंड के लिए भी एक सरसों का दाना, एक सुई का ऊपर, एक सुई सुई का ऊपर कितना टाइम, कितना सेकंड जा सकते हैं, एक सेकंड जा सकते हैं, तो एक सेकंड के लिए किसको जीनी हो जाएगा, तो उसको जिंदगी उसका जीवन शिवम शिव शिवमय हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा, शिव 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 चारों तरफ ही शिव, ऐसा एक जीवन होएगा। तो फिर उसी लिए शांति उसी में, तो उसके लिए, उसके लिए कोई, उसके लिए कोई अलग रास्ता नहीं है, से वैराग है, तो उसी लिए चर्चा तुम्हारा अंदर में वैराग लेके जगाएगा, वैराग का हवा जगाएगा, वैराग का नाम ही है प्रेम, वैराग का नाम, वैराग का अंदर ही है त्याग, वैराग का अंदर ही है चेतना। तो फिर उसी लिए धीरे 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 तुमको चलना पड़ेगा, देखो ये मेरा मार्ग है, ये मेरा रास्ता है। तो फिर देखना, इंसान जब कोशिश करेंगे और इंसान जब ओवरकम करेंगे, जो भगवान सब कुछ दिया है, फिर और अलग से कुछ देने का कुछ जरूरत नहीं, लेकिन इंसान इसमें विश्वास नहीं है। ऋषि लोग बोला था जितना महात्मा लोग सब बोला था, परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, मांगने का जरूरत नहीं। उसीलिए मेरा जीवन में मैं माशम किया है तुम लोगों के लिए, जो रुपया सब तुम लोगों के लिए, तुम लोग देता है तुम लोग लेता है, अच्छा बोलता है तुम लोग, खराब भी बोलता है तुम लोग, उसीलिए तो आश्रम किया है। समाज में बीमार देखा तो बीमार लोग, बीमार बीमार जिसको बीमार है वो लोग की तो आता है, वो लोग की तो रहता है, तो बीमारी लोगों का, बीमारी लोग मेरा पास मेरा साथ में है, वो लोग की है, वो लोग की सुनता है, वो लोग की बोलता है, उसीलिए तो आश्रम। तो उसीलिए वो जाएगा में मेरे को सोचना पड़ता है, मैं जानता है ये लोग को बीमार, तो उसीलिए तो मैं आश्रम किया है, तो ये मेरा सेवा है। और तुम लोगों को अंदर से धीरे धीरे मैं खाएंगे, मैं बैठेंगे, मैं जितना मैं का शक्ति, ये शक्ति जितना तुम्हारा काम होगा, जितना कम होगा
कम उसी लिए होगा, थोड़ा थोड़ा मन पहुंचा भवबंधन का मुक्ति के लिए, निर्वास होना होने के लिए, आसक्ति शून्य होने के लिए। तो फिर उसी लिए निर्वास होना भवबंधन से मुक्ति होने के लिए जो इच्छा थोड़ा हुआ, उसी लिए तुम्हारा कम हुआ। तो फिर उसी लिए तुमको सोचना पड़ेगा और चर्चा करना पड़ेगा, जरूर एक दिन तुम्हारा अंदर में जागेगा। और मैं तो बोलता ही रहता है, तुम्हारा जो इच्छा, राम श्याम जो इच्छा है, तुम्हारा जो प्राण में होता है, जरूर उसको सोचना। लेकिन तुमको पहुंचना है एक निष्काम, एक न्यूट्रल जोन में। न्यूट्रल में मीन्स कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, ये तुम्हारा सार है, एक तुम्हारा संयम है, जो बिना तुम संसार में कुछ नहीं कर सकता है। योग का सबसे पहले है संयम, संयम बिना कुछ नहीं होता है। इसीलिए अष्टांग योग में योग नियम आसन प्राणायाम पोत्ता धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग उसका पहली है संयम। जोम संयम बिना एक लड़का लड़की को बड़ा करने के लिए जरूर होता है, पोती पोती का संसार के लिए जरूर होता है, कांची को चलाने के लिए भी जरूरत होता है, स्टेट को चलाने की जरूरत होता है, हर चीजों में जरूरत है संयम। तो बिना कुछ नहीं होता है, तो फिर उसी लिए एक कमती हो गया, उसी लिए प्रॉब्लम है। उसी लिए तुम लोगों क्या है, गुरुदेव का साथ तुम लोग घूमने के लिए आए, तुम लोगों को कहानी मन में आ रहा है, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए गुरुदेव नहीं है। ये तो तुम्हारा फैमिली के साथ घूमने के गया है, उसका माफी हो गया, इसका अंदर में जाना पड़ेगा। ऐसा करके ये सोच के ऊपर गुरुदेव खड़ा हुआ नहीं। मेरे को कोई दिन पूछना, कोई दिन मेरे को फिर आएगा तो लाइव में मेरे को क्वेश्चन करना, जब मैं उसी दिन मेरा गुरुदेव का ऊपर बोलेंगे, मैं उसी दिन मेरा गुरुदेव का ऊपर बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे जो साधु मत, त्यागी, जो त्यागी लोग जो ऐसा बोलता है, ऐसा मत। लेकिन तुम लोग क्या बोलेंगे, ना गुरुदेव के साथ घूमने के लिए गया था, अच्छा अच्छा खाया था, अच्छा अच्छा जाएगा गया था, गुरुदेव बहुत अच्छा बोलता है, ये सब बात सुनाएंगे। नहीं तो बोलेंगे गुरुदेव के पास गया था, गुरुदेव मेरे को इतना आशीर्वाद किया था, मेरे को ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा होगी, ऐसा 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 बात नहीं सुनाएंगे। क्यों, ऐसा बात तो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला आदमी का नहीं है। वो जो लोग गुरुदेव का पास आता है, आध्यात्मिक चलने वाला लोग आता है, लेकिन इंसान तो जाता नहीं। इंसान छो भी आता है वो लेना देना के लिए, क्यों, सदगुरु जो परमात्मा का स्वरूप, उसका पास तो सब कुछ है। जो सदगुरु उसके पास तो सब कुछ है। तो उसी में क्या होता है, इंसान, मैं तो पहले ही शुरू किया था, लड़का का शादी, उसका पोता पोती का अच्छा जॉब, ये सब कुछ एकदम भगवान और गुरुदेव को छोड़ दिया, और इसको ऊपर ही खड़ा हुआ, इसका बाहर नहीं जा रहा। उसीलिए ये लोग इसका बाहर में जाएगा भी नहीं, अरे इसको पीछे ही रहेगा, अरे लोगों को जिंदगी में इसको बाहर नहीं जाएगा तो आनंद कैसे मिलेगा। जरूर आज नहीं जाएगा, कोई दिन जाएगा, सदगुरु का पास आया है, जो सदगुरु का संगत में आया है, जरूर उसको रास्ता है। ये तुम लोगों को मैं बोल सकता, जो सदगुरु का दर्शन किया है। मेरे को एक बार एक आदमी क्वेश्चन किया था, अच्छा महाराज आप भगवान को दर्शन किया है, मैं उसको एकदम एकदम तत्क्षणात बोला, हाँ अच्छा हाँ किया है, तुम्हारा माफी किया है। मेरे को बोला हमारा माफी किया है, भगवान को दर्शन हाँ किया है, तो फिर बार बार ना मैं दर्शन किया है, फिर
और बार बार इच्छा नहीं किया भगवान का दर्शन करने की। क्यों? एक बार दर्शन करने से वो उसका जीवन, उसका मन सब कुछ भर जाता है, वैसा मापी को उसको हो जाता है, उसका मन ही भगवान का मापी को, उसके लिए देख सुनता नहीं, राधे 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 बोलता। क्यों? हम मेरा मन राधे का मापी हो जाएगा, मन ही राधे हो जाएगा तो फिर कृष्ण कृष्ण रहेगा? तो फिर ऐसा मापी जिसको मन हो जाता है, वही तो तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। तो फिर उसीलिए मेरे को बोला था जे दर्शन क्या किया था किसको, मैं मेरा गुरु को दर्शन किया। जिस दिन गुरु को दर्शन किया था उसी दिन मैं सोच लिया था मेरे को कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना? उसीलिए मैं उसी दिन सोचा था कि गुरु मीन्स असीम अनंत, गुरु मीन्स त्याग स्वरूप, गुरु मीन्स जिसका छंद है छोड़ो पकड़ना नहीं, छोड़ो छोड़ो पकड़ना नहीं, तो पकड़ने के लिए ये जिंदगी नहीं है। तो फिर उसी लिए गुरु का मार्ग ही वही है, तो उसी लिए मेरे को जीवन में कोई इच्छा नहीं हुआ। तो गुरु को दर्शन किया मैं, मेरा जीवन में जो जो इच्छा था उसी दिन ही तो खत्म हो गई, वैसे वापिस दर्शन करना। तो फिर उसी लिए उसको गॉड मिल गया, तुम गुरु को दर्शन किया, ऐसा वापिस किया तो हो गया, नहीं किया तो तुम्हारा अंदर में बहुत लालच है, तुम्हारा अंदर में बहुत डर है, तुम बचना मरने का बहुत डरता है, तुम्हारा सब कुछ है, तो फिर तुमको चलना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं हुआ, ये सोचना पड़ेगा तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बोलेंगे सदगुरु का दर्शन किया है, ये मन में शक्ति रखना, मैं सदगुरु का दर्शन किया, ये शक्ति रखने के लिए भी चर्चा का जरूरत है। क्यों? नहीं तो सदगुरु को तुम तुम्हारा चाचा मामा का माफिक सोचोगे, और जैसा गृहस्थी का रिश्ता होता है वो गृहस्थी का रिश्ता का माफिक सोचोगे, खून का माफिक रिश्ता को सोचेंगे, वो आत्मा का रिश्ता को सोचोगे। तो आत्मा को रिश्ता को सोचने के लिए गुरु का अंदर में घुसना, उच्च इच्छा को ढूंढना, इच्छा को ढूंढने का बाद जरूर तुम मिलोगे एक दिन आज ना कल, जो धीरे धीरे निष्काम होना ही है, निष्काम ही तुम्हारा जीवन है, निष्काम ही तुम्हारा स्वरूप है, निष्काम में ही तुम्हारा आनंद है, निष्काम में ही तुम्हारा लय है, खत्म है, उसमें ही तुमको लय होना है, लीन होना है निष्काम में, यही तुमको होना, ऐसा मापी की इच्छा, इसका नाम है वैराग, ये जागना चाहिए। तो जागने के लिए जरूर तुमको ये देखो जागेगा, महात्मा का बिना जागेगा नहीं। क्यों? जो जाग गया, जिसको अंदर में जाग गया वही जगा सकता है, जिसको अंदर में जगा नहीं वो कैसे करके जगा? जिसको अंदर में जाग गया मीन्स वो विश्व ब्रह्मांड जितना लेना देना, जो सुख जो कुछ है इंद्रियों का अंदर में जो सुख है, ये सुख जिसको मर गया, ये सुख मर गया मीन्स इच्छा जिसको नहीं है, इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति में सब राधा राधा हो गया, गुरु गुरु हो गया। इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति में क्या था, नेगेटिव इच्छा शक्ति नहीं है, उसी में गुरु गुरु का इच्छा शक्ति आ गया, वो गुरु का इच्छा शक्ति में श्रेष्ठ गुण है, गुरु मीन्स श्रेष्ठ, गुण मीन्स गुण, पवित्र गुण है उसी में, शक्ति है उसी में गुरु का, अभी उसका जीवन हो गया उसको। तो फिर उसी लिए मैं तुम लोगों को बोलेंगे ऐसे ऐसे तो होएगा नहीं, तो जिस ऐसा मापिक जिसको होता है वो गुरु को दर्शन करने के बाद भगवान दर्शन हो गया, ये सोच सकते, वो सोच नहीं उसको हो जाता है, और जिसको नहीं हो उसको करना पड़ेगा। गुरु मीन से देवानंद बाबा ऐसा नहीं है, देवानंद बाबा तो एक वो दुर्गा पूजा का ढाक है, ढाक में ढाक एक ढाक ढाक को बजाना पड़ता है, ढाक अकेला नहीं बज सकता है, तो इसीलिए ढाक है, उसको बजाने के लिए कोई है, उसको बजाता है, तो जिसको जो बजाता है उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, ये काम तुम्हारा है। तो फिर जरूर उसी में शांति आएगा, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। लेकिन तुम चाहता है भगवान प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है, लेकिन वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ा,
वो तो एक आंखों का नहीं है, वो चारों तरफ उसी का आंख है, वो तो जागृत है, वो तो प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, लेकिन इंसान उसको सोचता है एक एक आंखों का, ये इंसान इंसान का भाव सोचता है, ये साधु का भावना नहीं है, ये गुरु का भावना नहीं। तो फिर उसी लिए तुम लोगों को मैं बोलेंगे जो तुम लोग, तो फिर उसी लिए मैं बोलेंगे जब मैं बहुत खुशी हूँ कि तुम लोग आज आया है और तुम लोगों को सुनना है और चर्चा करना है, अंदर अंदर तुम लोग सुना है, मन मन में चर्चा करना है और टाइम देना है, टाइम को देना है। देखो तुम देखो जैसा मेरा आश्रम है, मैं आश्रम जो है तुम लोगों के लिए तो किया है, बंद हो जाएगा कोई मेरा नुकसान तो नहीं है, मैं तो किया है मैं रहने के लिए नहीं, मैं तो इतना बड़ा जरूरत भी नहीं, क्यों तुम लोगों को जरूरत है, तुम लोग स्टेटस मेंटेन करता है ना, तुम लोग स्टेटस को मेंटेन करता है, तुम लोग समाज में रहता है, एकदम तुम लोग छोड़ता नहीं, एक जगह में खड़ा हुआ, तो फिर इसी के अंदर से भी छोड़ता नहीं, तो अंदर से भी छोड़ना पड़ेगा, तो अंदर से छोड़ने के लिए तुम लोग सोचेंगे जब हम अकेला अकेला छोड़ा तो तुम लोग इमोशनली छोड़ा, उसीलिए तुम लोग बोलता है इमोशन से बोलता है छोड़ा, और जो छोड़ा है थोड़ा बहुत छोड़ा है, थोड़ा बहुत उसको कृपा जरूर मिला है, और मैं बोलेंगे सदगुरु का दीक्षा लिया है तुम लोग, जरूर तुम लोगों को, तुम लोग उसके साथ जुड़ा रहो, चर्चा में रहो, जरूर तुम लोगों को एक रास्ता जरूर मिला है और तुम लोगों को आगे भी लेके जाएंगे, ये तुम लोगों का अंदर में शक्ति रखना है, ये शक्ति रखना भी चाहिए, और मैं तो बोलेंगे जे तुम लोग इसको भरोसा रखो, सदगुरु का कृपा है, सदगुरु का आश्रय लिया है, सदगुरु से दीक्षा लिया है, सदगुरु ही मेरा जीवन है, सदगुरु ही मेरा सब है, ये सदगुरु मीन्स काली सी लक्ष्मी दुर्गा बहुत रूप हो सकता है, लेकिन सदगुरु वही है, काली का रूप में भी है, शिव का रूप में है, दुर्गा का रूप में है, कोई इंसानों का रूप में है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है वो और भगवान अलग नहीं है, उसीलिए तो बोला है भक्त भगवान एक है, लेकिन मुख से बोलने से होता नहीं, अंदर से बोलना है, तो अंदर से तो बोला नहीं जाता है वो प्रकाश होता है, उसीलिए जितना महान पुरुष लोग को हुआ था मन जिसका वैसा हो गया था, जिसका मन परमात्मा हो गया था, जिसका मन राम हो गया था, तो उसका मन मन नहीं था, राम था, तो जिसका हो गया था, जिसको उसको हो गया था, उसके लिए तो करना है, उसके लिए तो राम राम बोलना है, गुरुदेव बीज मंत्र दिया है उसको जपना है, जपने का बाद जप करने का बाद वही समा फिर हो जाएगा, तो फिर लेकिन ये सहज नहीं है, मैं कठिन भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम लोगों का पास सहज नहीं है, क्यों मैं तुम लोगों के अंदर वैराग नहीं, तुम लोगों के अंदर इच्छा शक्ति एकदम नहीं है, तुम लोग सोचता है ऐसा हो जाएगा, नहीं, सेल्फिश मन को छोड़ना पड़ेगा, तुम लोग बहुत सेल्फिश है, उसीलिए बहुत दुखी है, मेरे सबसे बड़ा मेरे को सबसे आश्चर्य होता है, मैं सबसे आश्चर्य ज्यादा होता है इसीलिए, तो देखो देखो कैसा एक प्रॉब्लम है, इतना नैरो माइंड, इतना आत्म केंद्रिकता, उसी लिए क्या होता है, इसके तो बाहर नहीं जा रहा है, जितना दिन जा रहा है तितना धीरे धीरे छोटा हो रहा है, इतना सेल्फिश हो रहा है, सबसे मेरे को आश्चर्य लगता है इसीलिए, तुम लोगों का दुख और जल्दी जल्दी तुम लोग बढ़ाता है खुद, काम करने के लिए नहीं जा रहा है, बढ़ाने के लिए तुम लोग चल रहे, ये मेरे को मैं सोचता रहता, तो फिर उसी लिए मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत आनंद में है, और मैं आश्रम में नादराश्रम है, आज नादराश्रम है, नादराश्रम में मैं रहता है, लेकिन आश्रम अभी ओपन उसी लिए रात को रहने के लिए व्यवस्था उसी लिए नहीं किया, आश्रम में भी इतना दिन हुआ नहीं था, अभी कुछ देख लोगों को हुआ था,
8-10 लोगों को कोरोना हुआ था, उसी लोगों को 15-16 दिन हो गया। बहुत अनाथ आश्रम में तो बहुत जायगा है, कोई जायगा में वो लोग है, उसी लिए आश्रम खोला ही है। लेकिन आश्रम में जो लोग आता है फोन करके आता है, कोई अरेंज करने के लिए बहुत इजी होता है, और जो लोग है वो लोग को अरेंज करने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो फिर उसी लिए आज सबसे पहले अरेंजर मैं हूँ, ये आश्रम मैं हूँ, तो इसको सबसे पहले मेन अरेंजर मैं हूँ, तो मैं अरेंजर हूँ, उसी लिए मैं को सोचना पड़ता है। जो लोग आएंगे वो लोगों को जरूर ये सोच रहेंगे जे हम लोग तो ऐसा जा रहा है, लेकिन बैठने के लिए भी कुर्सी देने वाला लोग तो सेवा करने के लिए, जो लोग आ रहा है वही लोगों का माफी की लोग है, वो लोग की ऑफिसर है, मैनेजर है, अमीर है, गरीब है, क्यों? मैं तो बोला पहले कहानी सुनाया, राजा लोग आया है, एक दिन आया था धूला माख के गया था, एक दिन आया है आश्रम में बहुत भीड़ है, ए राजा है, राजा है, अरे राजा है, राजा बहुत दुखी हो रहा है, क्यों? लज्जित हो रहा है, क्यों राजा आ रहा है? महाराज ये लोग पहले आप समझाइए, ये लोग अभी तक भी मोह का पीछे पड़ रहा है, ये लोग मोह को ही मेन कर रहा है, ये लोग मोह को ही बोला है सबसे पहले, मोह ही सब है और कुछ नहीं है, उसी लिए लोग मोह का पीछे पड़ रहा है, उसी लिए मेरा मेरा जो मोह है वो मोह का पीछे पड़ गया। लेकिन मैं दास होने के लिए आया है, लेकिन ये लोग दास होने के लिए आया है, लेकिन ये लोग भूल गया ये दास होने के लिए हम लोग आया है, ये लोग भूल जाता है वो राजा को देखने के लिए, देखने के बाद वो लोग आमिर को, रुपया को देखने के बाद ही, संपत्ति को देखने के बाद ही ये लोग भूल जाता है। तो फिर इसीलिए अलर्ट रहना, बहुत सजग रहना पड़ेगा, ये तुम लोग भूलना नहीं, तुम लोगों का अंदर में परमात्मा है और सदगुरु का आशीर्वाद है, सदगुरु का मार्ग है तुम लोगों का अंदर, जरूर तुम लोग भूलोगे नहीं, तुम लोग सदगुरु का रास्ता को जरूर अंदर से पकड़ के रखोगे। हरिओम हरिओम हरिओम।